तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर में हम लोग सीखने जा रहे हैं ट्रिपल सुपर ट्रेंड की स्ट्रेटजी। लास्ट वाले वीडियो के अंदर में हमने डबल सुपर ट्रेंड की स्ट्रेटजी सीख दी थी, लेकिन इसके अंदर में हमें ऐसी निड़के लगी कि हमने थर्ड वाला सुपर ट्रेंड इंडिकेटर भी इसके अंदर में ऐड कर दिया है। ओके, वो कहते हैं ना, एक से भले दो, दो से भले चार, लेकिन चार तो भले यहाँ पे होंगे नहीं यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू के अंदर में, क्योंकि तीन तो हमने ले लिया है। अगर अगला वाला भी ले लेते इसके अंदर में तो वो कहता है मोर इंडिकेटर्स, मोर ट्रेडिंग पॉसिबिलिटीज, प्रो में जाओ भाई, परचेस कर लो। तो एक्चुअल में हम इसलिए एक से भले दो, दो से भले तीन ही कहेंगे, चार नहीं कहेंगे। तो इसलिए हमने तीन सुपर ट्रेंड इसके अंदर से ले लिए ताकि हमारा ईच एंड एवरी यूजर है वो इससे प्रॉफिट कर सके। ओके, तो दोस्तों एक्चुअल में हमें नीड क्यों थी तीन की, यहाँ पे एक्चुअल मैंने इसकी सेटिंग करी हुई है। मैं एक काम करता हूँ, तीनों के तीनों को भी यहाँ से जो हटा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो तीनों के तीनों सुपर ट्रेंड को मैंने यहाँ से हटा दिया है। टाइम फ्रेम 1 आवर की जो थी उसको हटा के यहाँ पे 5 मिनट्स की कर देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे प्लेन आ गया है। कैंडल्स जो है, कैंडल्स प्लेन वाली यूज करी, हमने हाई की राशि को यूज नहीं करा है। ओके, सिंपली इंडिकेटर में अंदर आते हम लोग और सुपर ट्रेंड को यहाँ से इम्पोर्ट कर देते। ओके, यहाँ से बहुत सारे लोग जो है उनको पता है कि बहुत सिंपल होता है सुपर ट्रेंड अगर बता देता है रेड में तो आपको नीचे के साइड में जाना है, अगर ग्रीन में बता दे तो आपको ऊपर के साइड में जाना है। लेकिन अगर आपको उसके अंदर में रुकना कब तक है और छोड़ना कब तक है ये बहुत ही ट्रिकी है, क्योंकि यहाँ पे देखिए आपको एंटर कर देना है और यहाँ पे जो थे यहाँ पे आपको एग्जिट कर देना है। एक्चुअली ये वाली कैंडल पे पता नहीं चलता कि ये रेड है या फिर ग्रीन है, ये कंप्लीशन के बाद ही इसके अंदर में पता चल जाता है। तो यहाँ तक देखिए 53 पॉइंट्स का जो है हमें प्रॉफिट देखने को मिला, मतलब ऑलमोस्ट नो प्रॉफिट, नो लॉस, 2-500 रुपए का प्रॉफिट। ओके, और यहाँ पे भी देखिए बड़ी बड़ी मूव जो है, यहाँ पे देखिए बाउंस बैक होने के बाद में अच्छी अच्छी मूव जो है, मतलब यहाँ से देखिए यहाँ पे यहाँ से जो है बाउंस हो गया है मार्केट यहाँ तक, मतलब 200 पॉइंट्स का तो हमारा लॉस ही हो गया। लॉस मतलब एक्चुअल में हमारे प्रॉफिट में से कट हो गया, तो हम लोग इसको लॉस ही कंसीडर करके चलेंगे। ओके, लेकिन अब हम यूज करने वाले हैं सुपर ट्रेंड का, मतलब जो ट्रिपल सुपर ट्रेंड यूज करने वाले हैं उसके अंदर में ये जो लॉस है वो आपको होगा ही नहीं। मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसा हो जाएगा कि आपका जो प्रॉफिट है आप थोड़ा सा जल्दी निकलोगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आपको लॉस हो गया है। ओके, मैं इसको 100% बुलेट प्रूफ स्ट्रेटजी तो नहीं कहूंगा, लेकिन अभी आप खुद ही इसको इस्तेमाल करने के बाद में समझ जाएंगे। चलिए स्टार्ट कर देते हैं उसको इंपोर्ट करके। सुपर ट्रेंड के आने के बाद में हमें ये वाला सुपर ट्रेंड नहीं लेना है। अभी सेटिंग का जो पार्ट है मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर में टाइमलाइन दे दूंगा, तो उस टाइमलैप्स के अंदर में आप सिर्फ क्लिक करके सीधा यहाँ पे आके स्ट्रेटजी है वो देख सकते हो, स्ट्रेटजी की सेटिंग है वो देख सकते हो। और स्ट्रेटजी की सेटिंग है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आप लोग इसके अंदर में थोड़ी गड़बड़ी कर दोगे ना तभी भी मुश्किल हो जाएगी। लेकिन सबसे डिफिकल्ट पार्ट तो यही है कि इसकी सेटिंग, उसके बाद में कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। बच्चों का काम है सिर्फ कलर देखना और एंट्री एग्जिट करना। ओके, यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आने के बाद में आप यहाँ पे देख सकते हो डोमिनिक ऑसिली, अब इनका नाम क्या है यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे हाँ यार, मैंने एक्चुअली पहले मैं देख लिया था डोमिनिक ऑसिलेटी। हाँ, तो इनका जो इंडिकेटर है, इनका इंडिकेटर जो सुपर ट्रेंड का, हम लोग वो ले लेंगे। आप यहाँ पे सामने नाम देख सकते हो और ये कितने बार लेंगे, 3 बार, 1, 2 और 3। ओके, 3 बार में ले लिया। लेकिन ये वाला जो इंडिकेटर है वो भी यहाँ पे सेम ही दिख रहा है कि यहाँ पे शॉर्ट करो, यहाँ पे लॉन्ग करो, लेकिन नहीं, हमने इसके सेटिंग के अंदर में अब तक चेंज नहीं करा। तीनों के तीनों इंडिकेटर के सेकेंडरी हमें चेंज करनी है। ओके, यहाँ पे चलिए फर्स्ट वाले के अंदर में जो फैक्टर है, फैक्टर को 3 ही रखेंगे, लेकिन उसका पीरियड है, पीरियड को कर देंगे 12। और स्टाइल के अंदर में जाएंगे, सुपर ट्रेड छोड़ के बाकी जितना भी है सबको निकाल देंगे, हमें किसी की जरूरत नहीं। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे फिर से नीचे आएंगे, जो 2 नंबर वाला है उसके लॉन्ग शॉर्ट ये बाकी सब निकाल देंगे कचरा। और यहाँ पे फैक्टर के अंदर आने के बाद में फैक्टर को करेंगे 1 और पीरियड को तो वैसे ही रखेंगे 10 का। ओके, नो इश्यूज। यहाँ पे आप देख सकते हो फर्स्ट वाला इंडिकेटर थोड़ा सा डिफर हो गया है, और यहाँ पे अब भी जो हमने सेकंड वाला करा उसने तो अपनी जगह ही छोड़ दी है, और अब 3 वाला ये भी अपनी जगह छोड़ने वाला है। फैक्टर कर देंगे 2 और पीरियड कर देंगे 11। हिट ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो तीनों के तीनों ने मस्त यहाँ पे एक जो पैटर्न है वो पैटर्न यहाँ पे फॉर्म करना स्टार्ट कर दिया। अरे ये तो इसका रह गया था, 3 नंबर वाले का रह गया है लॉन्ग शॉर्ट लेबल, ये निकालना। फाइन, अभी देखिए अभी इंट्रो और एग्जिट को पहले समझ लेते हैं इसके अंदर से। तो जो क्या है, हम लोग इंट्रोडक्शन में टाइम वेस्ट नहीं करती, ये तो हमारे जो रेगुलर व्यूअर्स है उनको भी पता है। जो एक्चुअल में जो 92% के जो अनसब्सक्राइब लोग है जो देख रहे हैं, जिन्होंने बहुत वीडियो बहुत प्यार दे रहे वो, लेकिन बाहर बाहर से प्यार दे रहे, लेकिन ऐसा जो होता है दोस्तों कि आसपास वाले घर के अंदर में हम लोग अपना प्यार देते हैं वो वैसा ही दे रहे, लेकिन घर पे नहीं आ रहे, यहाँ पे सब्सक्राइब नहीं कर रहे। तो दोस्तों प्लीज डू सब्सक्राइब यार, सब्सक्राइब करने के बाद में और अच्छा मोटिवेशन मिलता है अच्छा काम करने के लिए। लेकिन चलिए कोई बात नहीं है, अगर आप पैसा भी कमाएंगे स्ट्रेटजी को यूज करके फिर भी बहुत बढ़िया लग जाएगा। चलिए यहाँ पे एक काम कर देते हैं, प्राइस रेंज को यहाँ से ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे एंटर कर देते हैं, यहाँ पे देखिए तीनों की तीनों लाइन ने जब अपना कलर बदल दिया है हमें तब भी एंटर करना है। यहाँ पे देखिए एक सुपर ट्रेंड ने बता दिया कि आप इसके अंदर में एंटर
शेयर करो, लेकिन हम लोग यहाँ पे नहीं करेंगे क्योंकि इसके नहीं सुनने, हमें तीनों के भी सुनने हैं। दूसरे ने बता दिया नहीं, तुम्हारे भी नहीं, तीसरे ने बता दिया हाँ, अभी तीनों ने कह दिया, तो इस वाले कैंडल पे ये तीनों की तीनों कंप्लीट होने के बाद में यहाँ पे एंटर जो है वो कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे एंटर कर दिया, ओके। तो यहाँ पे एंटर करने के बाद में हम लोग निकलेंगे कब, जब तीनों में से कोई भी एक भाई हमें कहे कि यार यहाँ से निकल जाओ, हम लोग तभी निकलेंगे। हम लोग इंतजार नहीं करेंगे कि तीनों की तीनों ने बता देना चाहिए इससे बाहर निकल जाओ, ओके। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है ये वाली कैंडल ने एक्चुअली बन रही थी, तब ये जो लाइन है सुपर ट्रेन की वो लाल हरी होती रहेगी, तो इसलिए हम लोग ये कैंडल का कंप्लीट होने का इंतजार करेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हो ऊपर में 5 मिनट्स की जो टाइम फ्रेम है वो हमने यूज करी है, और जो उसके अगली वाली जो कैंडल है उसके यहाँ पे हमने एग्जिट कर दिया। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख सकते हो 892 रुपीज की जो है हमें बहुत बड़ी जो बड़ी रैली है वो यहाँ पे कैप्चर करने को मिली है। हालांकि मार्केट यही से नीचे में तीनों की तीनों ने फिर से लाल बना दिया, फिर से हरा बना दिया, तो यहाँ से वो नीचे ही जा रहा है, लेकिन हमें उसका कोई लेना देना नहीं है, वो तो चलता ही रहेगा, लेकिन हमें जो अपना प्रॉफिट है वो अच्छे से बुक करके यहाँ से निकल जाना है। उसके पीछे वाला ही देखिए, उसको चिपक के पीछे में यहाँ पे तीनों की तीनों ने बता दिया कि यहाँ पे एंटर कर दो, लेकिन अगर हम लोग तीनों के तीनों का कलर चेंज होने का इंतजार करेंगे, जैसा कि मैंने अभी आपको इस वाले एग्जाम्पल में बता दिया था कि हम लोग यहाँ पे निकलेंगे लेकिन हम तीनों को इंतजार नहीं करेंगे, फिर भी वो नीचे आ गया, लेकिन हम लोग फॉर एग्जाम्पल ऐसा मान के चले कि ये वाला जो फॉर्मेशन है वो उसके पहले दिन आ गया था यहाँ पे, तो हम लोग यार कल ऐसा हो गया था, हम लोग जल्दी निकल गए थे, तीनों का इंतजार करना था, लेकिन यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल आप इंतजार कर रहे हो तीनों का जो रेड होने का, तो आप यहाँ पे देख सकते हो आपको सिर्फ प्रॉफिट मिल सकता है 95 रुपीज का, लेकिन तीनों में से एक ने भी यहाँ पे कलर बदला और आप यहाँ से निकल गए, तो आपको प्रॉफिट हो गया 250 रुपीज का, तो ऑलमोस्ट 3 टाइम्स का जो है आपको प्रॉफिट हो जाता है यहाँ पे, जबकि एक्चुअली एक भी अगर चेंज कर दे कलर फिर भी आपको उसके अंदर से निकल जाना है, ओके। यहाँ पे भी आप देख सकते हो यहाँ पे एंट्री बन गई, यहाँ पे अपनी एंट्री जो है वो बनने रही है, क्योंकि तीनों की तीनों कैंडल्स ने तीनों की तीनों लाइंस ने ऐसा जो है फॉर्मेशन के बाद में अपना कलर बदल देना चाहिए, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक ही कलर बदल रहा है। तो थोड़ा सा और पीछे चलेंगे, देखेंगे कहाँ पे, यहाँ पे देखिए तीनों की तीनों ग्रीन थी, यहाँ पे रेड होना स्टार्ट हो गया, यहाँ पे आ गई ये ग्रीन, यहाँ पे तीनों की तीनों जो है वो रेड बन गई, और रेड होने के बाद में एक्चुअली में मैं आपको जो बता रहा था वो चीज़ यहीं पे हो रही है। आप यहाँ पे जो फ़ोन पे यूज़ कर रहे ट्रेडर्स लोग हमारे, उनके लिए थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि यहाँ पे समझने में देखने में आसान हो सके। आप यहाँ पे देख सकते हो एक्चुअल में मैं आपको इसी के बारे में बता रहा था कि अरे ये तो हरा आ गया, इसको ये कर देते और थोड़ा मोटा कर देंगे, गुड। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैं एक्चुअली इसी के बारे में बात कर रहा था कि जबकि ये कैंडल फॉर्म होती रहेगी यहाँ पे, तब ये वाली कैंडल फॉर्म होते समय अगर ये वाला था ये जो ग्रीन रेड बन गया होगा, इसको एक्चुअली ये अपना कलर जो है वो ग्रीन रेड बना देता है, लेकिन इस वाली कैंडल ने जो है वो अपना कलर रखा था ग्रीन, इस वाले ने रखा था अपना रेड, और ये दोनों की दोनों ग्रीन होने की वजह से हमने इसके अंदर में ऊपर के साइड में भी ट्रेड नहीं लिया और नीचे के साइड में का भी ट्रेड नहीं लिया, जबकि यहाँ पे तीनों की तीनों लाइन जहाँ पे रेड बन रही थी, तब ये वाली कैंडल जो कम्प्लीट होने के बाद में जो अगली वाली ओपन होते समय ही उसने अपने जो चाल है वो चाल यहाँ पे बदल दिया, ओके। मैं ड्राइंग को एक बार मैं क्लियर कर देता हूँ सब कुछ, तो आपको इसके अंदर से जो है वो क्लियर दिख जाएगा कि एक्चुअल में इसके अंदर हुआ क्या था, ओके। तो इसलिए दोस्तों आपको कैंडल कंप्लीट होने का इंतजार करना है, आपको जल्दबाजी नहीं करना कि यार एक्चुअल में यहाँ पे जो है वो कैंडल फॉर्म हो गई है और हम यहाँ से अभी एंटर कर देंगे, तो आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, कैंडल को कंप्लीट होने देना है। अपॉर्चुनिटी मिस हो जाती है, हो जाने तो मार्केट कोई बंद नहीं पड़ रहा है, मार्केट आज के दिन में और 4 अपॉर्चुनिटी नहीं जनरेट कर देगा या फिर कल के मार्केट के अंदर में बहुत बड़ी मूव देके अपना जो दिन है उसको रिकवर कर देगा। यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे फिर से जो है ट्रेड बन गया है, यहाँ पे एंट्री हमारी बन गई है और यहाँ पे बन गए है हमारा एग्जिट, ओके। तो दोस्तों और थोड़ा सा पीछे चल के देखते हैं, एक्चुअल में मैं आपको ऐसी बड़ी बड़ी जो रैली है वो नहीं दिखाने वाला हूँ इसके अंदर में, वो आप खुद ही देख लीजिए, मैं आपको सिर्फ साइडवेज मार्केट के अंदर में दिखा दूंगा ताकि जो लॉस होता है ट्रेडर्स को वो साइडवेज मार्केट के अंदर में होता है, ना कि उसको रैली के अंदर में। अब यहाँ पे लॉस होने के कोई चांसेस ही नहीं है, यहाँ पे एंटर कर दिया और एग्जिट कर दिया, यहाँ पे मतलब 250-300 पॉइंट का तो इसके अंदर में सीधा सीधा प्रॉफिट हो रहा है। अभी बैक टेस्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं आपको ऐसी बड़ी बड़ी वाली रैली जो है वो दिखाता चलूँ, मेरा काम है आपको साइडवेज में दिखाना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे साइडवेज में मार्केट चल रहा है, तो मैं आपको सिर्फ साइडवेज में दिखाऊंगा ताकि आपको उसके अंदर में जो क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग है वो भी हो सके, एक्चुअली में मेरे तजुर्बे से। उसके बाद में मेरे जैसे आप खुद भी ट्रेडर हो, आप भी बैक टेस्ट करके मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर में बता दीजिए कि यार सर नहीं, इसके अंदर में और ये इंप्रूवमेंट उसके अंदर में बाकी है, और अगर ये चीज करेंगे तो इसके अंदर में और अच्छे से फिल्टर आउट हो जाएगा, तो प्लीज आपके पास सजेशन रहेगा तो प्लीज मुझे वो भी बता दीजिएगा। यहाँ पे देखिए तीनों की तीनों हरी बन गई है, यहाँ पे एक्चुअल मार्केट साइडवेज चल रहा है, अभी तीनों लाइन का जो है हमें बेनिफिट यहाँ पे देखने को मिल सकता है, ओके। साइडवेज मार्केट के अंदर में आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे तीनों की तीनों जो थी वो ग्रीन थी, मतलब हमारा ट्रेड यहाँ पे बन गया था,
यहाँ से हम लोग ट्रेड के अंदर में रुक गए थे और यहाँ पे बाहर निकल गए थे ओके। और इस वाले कैंडल पे बाहर निकल गए थे 150-200 पॉइंट का रहेगा वो जो हमने अचीव करा था। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए 290 पॉइंट का ऑलमोस्ट यहाँ पे हमने जो है वो प्रॉफिट लेके वहाँ से भाग गए थे। लेकिन यहाँ पे देखिए फिर अभी तीनों के तीनों ने भी हरी यहाँ पे एंट्री दे दी है, हरी झंडी दे दी है। हम लोगों ने फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो था वो एंटर कर दिया था, अभी तीनों के तीनों यहीं पे ग्रीन हो गई थी, ये वाली जो लाइन थी ये वाली ओपन हो गई थी कैंडल 4170 को, तो 4170 कहाँ पे यहाँ पे नीचे आ गया। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग ने यहाँ पे एंटर कर दिया था और एग्जिट कर दिया था ये वाली कैंडल ओपन होते होते, ये ओपन हो गई थी 4192 को, मतलब यहाँ पे जो है हमने यहाँ पे एग्जिट कर दिया है 2205 का, 22 रुपये का हमने इसके अंदर प्रॉफिट लेके इसको छोड़ दिया है। तो 22 रुपये का मतलब प्रॉफिट ही नहीं होता है, छोटा सा प्रॉफिट भी इसको हम लोग कह नहीं सकते, ये एक्चुअल में प्रॉफिट ही नहीं होता। लेकिन आप ऐसा कह सकते हो कि इसको नो प्रॉफिट नो लॉस में आपका जो ट्रेड है वो निकल गया है, 50-100 रुपये का अगर लॉस भी हो जाता है तो भी वो ऑप्शन के अंदर में या फिर इंडेक्स के अंदर में कुछ बड़ा लॉस कंसिडर नहीं करा उतना तो ब्रोकरेज अपना कट हो सकता है बहुत बार, तो इसलिए हम लोग उसको कंसिडर नहीं करेंगे, ऐसा कहेंगे कि नो प्रॉफिट नो लॉस के अंदर में निकल गए। लेकिन यहाँ पे हमें जो बेनिफिट हो गया है वो क्या हो गया है कि हम लोगों ने तीनों के तीनों जो लाइन्स है उनको कलर शिफ्ट होने का इंतजार नहीं करा, अभी कलर शिफ्ट हो गया है यहाँ पे, तो हम लोग अगर यहाँ तक का वेट कर देते तो बहुत ही बड़ा घाटा हो जाता है। साइडवेज मार्केट के अंदर में ये स्ट्रेटजी बहुत बचा के रखती है हम लोग को। अब यहाँ पे देखिए ये इसने यहाँ पे ग्रीन कलर बना दिया है लेकिन इसने यहाँ पे रेड बता दिया, तो हमने यहाँ पे एंट्री नहीं की, यहाँ पे ग्रीन में था ये रेड बन गया, यहाँ पे हमने एंटर नहीं करा, ये दोनों ग्रीन में है लेकिन ये रेड में रहा हमने एंटर नहीं करा, आगे चले ये दोनों रेड में हो गए लेकिन ये ग्रीन में था हमने एंटर नहीं करा, यहाँ पे फिर से देखिए ये रेड था ये दोनों ग्रीन थे ये रेड था, तो एक्चुअल में जो तीनों के तीनों जो लाइन्स है वो हमें बचा के चलती है। यहाँ पे जो क्रॉस हेयर है यहाँ पे बीच में जो ये जो बीच वाला है जो प्लस का साइन वो क्रॉस हेयर है, क्रॉस हेयर के ऊपर में ये जो लाइन्स दी हुई है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वो इसीलिए दी गई है ताकि आप सारी चीज़ों को एक नज़र में देख सको कि एक्चुअली लेफ्ट में राइट में ऊपर में नीचे में क्या हो रहा है ओके। तो इसलिए आपको इसका फुल यूज़ कर देना चाहिए, मैं तो ऐसा ही कहता हूँ। अगर आप इस कैंडल के ऊपर में रख दोगे तो आपको फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए आप हाई के ऊपर में भी इस क्रॉस हेयर को ऐसा अरे यार उंगली आ रही है ना, चलो यहाँ पे अगर रख देते ऐसा तो आपको पता चल जाता है कि राइट साइड में जो है वो इस कैंडल के हाई से ऊपर में मार्केट काम कर रहा है, आपको एक ही नज़र में पता चल जाएगा। और अगर चार्ट आपका ऐसा आप छोटा कर दोगे तो आपको यहाँ पे क्रॉसर रखने के बाद में पता चल जाएगा कि लेफ्ट साइड में सपोर्ट कहाँ पे। अब यहाँ तो बहुत गिचमिट हो गई है, हम लोगों ने यहाँ पे दो दो तीन तीन सुपर ट्रेंड ऐड करके रख दिए, तो इसलिए यहाँ पे देखने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। अगर आप ट्रेड करोगे तो बहुत अच्छे से आपको प्रॉफिट है वो मिल जाएगा और जो लॉस होने का चांसेस है वो बहुत बार आपका फिल्टर आउट हो जाएगा। यहाँ पे भी देख सकते हो आप, यहाँ पे एंट्री इसने दोनों ने बता दी थी कि एंटर कर दो लेकिन ये कह रहा था कि एंटर मत करो, तो एक्चुअल में तीनों का हमने सुन लिया कि यार नहीं तीनों की तीनों एकमत नहीं हो रहे तो हम लोग इसके अंदर में एंटर नहीं कर रहे, तो इसने हमें यहाँ पे फिर से बचा लिया। यहाँ पे देखिए कैसा डाउनफॉल हो गया है, तीनों के बताए यहाँ पे सेल कर दो तो यहाँ पे सेल कर देते तो बहुत अच्छा प्रॉफिट यहाँ से निकल जाता। दोस्तों ये थी ट्रिपल सुपर ट्रेड वाली स्ट्रेटजी सिर्फ आपके लिए जो कि बहुत ढूंढ के निकाली है यार, तो मेहनत बहुत लगती है। सब्सक्राइब तो अभी कर दो यार और कमेंट बॉक्स में अंदर में भर दो अपना प्यार, और मिलते हैं राइट साइड वाली वीडियो के अंदर में जो कि है सुपर ट्रेंड डबल सुपर ट्रेंड इंडिकेटर के बारे में, जिसके अंदर से हमने 700-800-900 पॉइंट की जो बड़ी बड़ी रैली है वो कैसे कैप्चर करनी है वो बता दिया है, या फिर लेफ्ट साइड वाली आरएसआई के बारे में पूरा का पूरा भंडार भर दिया है, वो सिर्फ आरएसआई 60-40-50 और एटसेट्रा बहुत अच्छी अच्छी स्ट्रेटजी और 3-डॉट ग्राफ वाली आरएसआई की स्ट्रेटजी वो वाली उसके अंदर में भी है। तो दोस्तों मिलते हैं राइट साइड वाली वीडियो के अंदर में या फिर लेफ्ट साइड वाले भंडार के अंदर में, तब तक के लिए सीखते रहिए और कमाते रहिए। जय हिंद।